अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की लाहौर में एफ्टमा ऑफिस आमद। अमरीकी सफीर ने पेट्रोलियम चीफ एफ्टमा गौहर एजाज से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। काउंसिल जनरल विलियम मैकानॉल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चीफ कैथरीन गैबलेस्को, इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट आमना अनीस, मीडिया स्पेशलिस्ट रिदा राशिद भी अमरीकी सफीर की हमराह मुलाकात में शरीक हुए। बात करेंगे, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने अभी पिछले कबल एफ्टमा ऑफिस है वो उनकी आमद हुई है और इस मौके पर अमरीकी सफीर ने प्रेसिडेंट चीफ एफ्टमा गौहर एजाज से है वो मुलाकात की है। बहुत ज्यादा मुलाकात दो तरफा मूव पर तबादला ख्याल है वो किया गया है और इस डोनाल्ड जो अमरीकी सफीर थे डोनाल्ड ब्लूम उनके साथ में वक्त में काउंसिल जनरल लाहौर विलियम मैकानॉल और पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक चीफ मिस कैथलीन और इकोनॉमिक आमना समेत मेजर स्पेशलिस्ट की जिक्र नवरात्रि जबकि मरकजी चेयरमैन एफ्टमा आसफ इनाम, चेयरमैन पंजाब खामर जमान और सीनियर वाइस चेयरमैन पंजाब एफ्टमा कामन अरशद समेत मरकजी वाइस चेयरमैन एफ्टमा असद शफीक की है उस मौके पर सम्राट है और इस मौके पर दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल है वो किया गया है। जबकि एफ्टमा और दौरान की तरफ से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होने वाले तजारत की हमारे जो ब्रीफिंग है वो दी गई और इस मौके पर जो एफ्टमा के चेयरमैन थे और मरकजी की जो सेक्रेटरी चीफ थे उन्होंने पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान होने वाली जो इस चल के बाद मुकम्मल तौर पर आगाह है वो किया है और इस मौके पर यही कहना था सेक्रेटरी चीफ एफ्टमा गौहर एजाज का कि पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान जो तजारत के रवायत से काम किया जा रहा है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर साथ देंगे और इस मौके पर जो दीगर अहदेदार थे एफ्टमा के वो भी मौजूद थे। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका।